अंग्रेजी एकेडमी 101% फैमिली इंस्टीट्यूट, अंग्रेजी बोलना सीखी। पीसीसी एकेडमी अब सेक्टर 13-17 मेन मार्केट में भी, हेड ऑफिस मॉडल टाउन नियर अनेजा पेट्रोल पंप पानीपत। सांसद दुष्यंत चौटाला कार्यकर्ताओं से मिलने पहुंचे पानीपत। दुष्यंत बोले चुनाव के लिए वो तैयार हैं। ट्रैफिक इंचार्ज महेंद्र सिंह पदभार संभालते ही आया एक्शन मोड में, नो पार्किंग में खड़ी गाड़ियों को किया इंपाउंड। गांव सनोली कला में मकानों के सर्वे ना होने के चलते ग्रामीणों ने बीडीपीओ कार्यालय के बाहर किया रोष प्रदर्शन। महिला थाना प्रभारी अर्जुन अवाड़ी इंस्पेक्टर नेहा राठी ने 269वीं ई त्रिवेणी लगाकर संभाला कार्यभार। गांव जलालपुर में शहीद करण सिंह की प्रतिमा के पास गंदगी होने पर पंचायत विभाग ने मौके पर पहुंचकर करवाई सफाई। मॉडल टाउन के मल्होत्रा अस्पताल में लगाया गया बच्चों की जांच के लिए फ्री कैंप। छाजपुर कला के आरोही मॉडल स्कूल में चल रही 3 दिवसीय साइंस कार्यशाला का हुआ समापन। नमस्कार, वॉइस ऑफ पानीपत में आपका स्वागत है। इस वक्त आप देख रहे हैं पानीपत दनादन और मैं हूं आपके साथ सोनम। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की गतिविधियों की। प्रदेश में नई पार्टी के गठन के बाद जेजेपी नेता अपनी पकड़ जनता में बनाने में जुट गए हैं, जिसको लेकर जेजेपी नेता और सांसद दुष्यंत चौटाला आज पानीपत पहुंचे और कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान सांसद दुष्यंत चौटाला ने कहा कि सरकार के पास मौका है कि देश में से 370 धारा खत्म कर दे, पूरा विपक्ष उनके साथ है। पानीपत पहुंचे दुष्यंत चौटाला ने कहा कि जिस प्रकार जेजेपी ने 1.5 महीने में लोकसभा प्रभारियों की नियुक्ति की है, जल्द प्रदेश में विधानसभा प्रभारियों की भी नियुक्ति करके संगठन को मजबूत करेंगे और लोकसभा की 10 और विधानसभा की सभी सीटों पर जीत कर 1987 का माहौल जनता को देंगे। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस छोड़कर लोग जेजेपी में शामिल हो रहे हैं, यह बदलाव की निशानी है। वही इनेलो की बीजेपी से गठबंधन पर कहा कि जल्द इनेलो का बीजेपी में विलय हो जाएगा। बीजेपी पर कटाक्ष करते हुए दुष्यंत चौटाला ने कहा कि बीजेपी सरकार फसल बीमा योजना के नाम पर किसानों को धोखा दे रही है। उन्होंने प्रधानमंत्री से मांग करते हुए कहा कि यह मौका है देश से धारा 370 हटाई जाए। उन्होंने इनेलो पर भी प्रहार करते हुए कहा कि वह उन्हें बगैर किसी सबूत के बदनाम करने में जुटे हैं, लेकिन उन्होंने ना तो इनेलो का झंडा लिया और ना ही डंडा, फिर भी इनेलो वाले परेशान। तो पूरी तौर पर संभले हुए, और जिस प्रकार से 1.5 महीना पहले हमने लोकसभा प्रभारियों की नियुक्ति करी थी, अब हम इस प्रयास में है कि जल्द से जल्द विधानसभा प्रभारियों को, जैसे हमारी स्टेट की बॉडी का गठन हो जाएगा, नियुक्त कर इस मैदान में उतारेंगे। क्योंकि इस चुनाव को पहले दिन से हम टारगेट लेकर चल रहे हैं और हमारा यही उद्देश्य है कि लोकसभा की 10 की 10 और विधानसभा के अंदर दोबारा 87 जैसा माहौल हम बनाकर प्रदेश में राज बनाने का काम करें। आप ये देखिए कि मजबूत लोग जैसे चौधरी हर्ष कुमार जी, मोहम्मद इलियास जी, दादा राम कुमार गौतम जी, अर्जुन सिंह जी, ये कांग्रेस और बीजेपी छोड़कर हमारे साथ जुड़े, ये अपने आप परिवर्तन की निशानी है। और डिक्लेयर होने दो, अभी तो हमारा संगठन 1 सांसद और 4 विधायकों का है, धीरे धीरे ये बढ़कर आपको और आगे चलता दिखाऊंगा। पर ये शुरुआत है, हमारे संगठन को तो जन्मे आज मात्र 3 महीने और कुछ दिन का समय हुआ है, और 3 महीने कुछ दिन के अंदर आज प्रदेश के अंदर मुख्य विपक्षी दल के तौर पर जनता ने हमें स्वीकारा है, ये अपने आप में एक निशानी है कि जनता बदलाव चाहती है और जनता जननायक जनता पार्टी चाहती है। मेरी आज तक तो स्वयं कोई उनसे बात नहीं हुई, पर मैं चाहूंगा, मजबूत नेता है, उनने कई बार चुनाव लड़े हैं, अगर वो जननायक जनता पार्टी में आना चाहे तो हम उनका स्वागत करेंगे। विधानसभा में अभय चौटाला की नेता प्रतिपक्ष को लेकर वोटिंग कराने की मांग है, तो फैसला स्पीकर का है और श्रीमती नैना चौटाला जी ने तो हाउस में खड़ा होकर कह दिया कि हमने नई पार्टी बना ली, इनेलो टूट चुकी है। अगर स्पीकर उनको संरक्षण देंगे तो फिर वो निर्णय स्पीकर का होगा, हमारा। सर, इनेलो और बीजेपी से ये सुनने में आ रहा है कि उनका आपस में आप समझौते की बात करें, मुझे लगता है जल्द विलय हो जाएगा। अभय चौटाला दोबारा ऐसे मुद्दे को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, उसमें क्या कहना है? शुरू कर दिया, बहुत अच्छी बात है। 3.5 महीनों से तो एक ही आंदोलन था, जननायक जनता पार्टी, और अगर उसको और हमारी पार्टी के खिलाफ
जितने उनने आरोप लगाए क्या वो एक भी सिद्ध कर पाए। ट्रैफिक इंचार्ज महेंद्र सिंह ने कार्यभार संभालते ही एक्शन मोड में दिखे। उन्होंने नो पार्किंग में खड़े कई वाहनों को इम्पाउंड किया और साथ ही जनता से अपील की कि वो पार्किंग में ही वाहनों को खड़ा करें। पानीपत में हमेशा सड़कों पर घंटों तक जाम लगने से काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। फ्लाईओवर के नीचे पार्किंग बनाए जाने के बाद भी लोग नो पार्किंग में अपने वाहन खड़े करते हैं, जिससे हर समय जाम लगा रहता है। इसी को लेकर ट्रैफिक इंचार्ज महेंद्र सिंह पदभार संभालते ही एक्शन मोड में दिखे। उन्होंने ऐसे कई वाहनों को इम्पाउंड किया जहां महेंद्र चालान काट रहे थे, तो कई सिफारिश भी आई, तो कईयों ने फोन भी करवाए, लेकिन महेंद्र ने एक नहीं सुनी और कई गाड़ियां इम्पाउंड भी करवा दी। इसके अलावा उन्होंने कहा रेलवे रोड को वो वन वे करवाएंगे ताकि जनता को परेशानी ना हो। ये जो नो पार्किंग में गाड़ियां खड़ी हैं, उनको क्रेन से उठवा रहा हूँ। अगर कोई मालिक आ जाता तो नो पार्किंग का उसका चलान कर रहे हैं। तो जो ये फोर लेन है, फोर लेन सिर्फ लाइट व्हीकल के लिए होगी, पार्किंग के लिए नहीं होगी। जिस भी व्हीकल मालिक ने अपनी गाड़ी पार्किंग करनी है, वो प्रशासन ने पुल के नीचे बड़ी अच्छी पार्किंग बनाई हुई है, उसमें खड़ा करे और कानून की उल्लंघना करने वाले के खिलाफ चालान किए जाएंगे। सबसे बड़ी ये है कि भाई जो ना रोड के ऊपर, जिस रोड के ऊपर जाम नहीं लगना चाहिए। मेरी प्रशासन आम पब्लिक से अपील है, कोई भी व्यक्ति अपनी गाड़ी खड़ी करे तो वो पार्किंग जोन में ही खड़ी करे, जीटी रोड के ऊपर या फोर लाइन के ऊपर नहीं खड़ी करे। रेलवे रोड के बारे में मैं आज गया था, रेलवे रोड पे मैंने वहाँ जाकर के अनाउंसमेंट की है। सभी दुकानदार भाइयों से मैंने अपील की है कि कोई भी मोटरसाइकिल वगैरह अगर खड़ी करे तो पीली पट्टी के अंदर ही खड़ी करवाए। अगर पीली पट्टी से बाहर होगी तो उसका चालान किया जाएगा। और दो तीन दिन अनाउंसमेंट के करने के बाद ये कार्रवाई, उसको रेलवे रोड को वन वे भी करवाया जाएगा। मेरी सभी दुकानदार भाइयों से अपील है आपके माध्यम से, और मैं लाउड स्पीकर के माध्यम से भी अपील करके आया हूँ और करूँगा कि सभी दुकानदार भाई अपनी जो दुकानों के आगे व्हीकल खड़े करते हैं उनको समझाएं, ताकि मुझे सहयोग मिल सके। गौरतलब है कि महेंद्र सिंह इससे पहले भी ट्रैफिक इंचार्ज रह चुके हैं, उन्होंने भी अपने काम को बखूबी से निभाया। गांव सनोली कला में ग्रामीणों ने पंचायत और खंड प्रशासन पर मिलीभगत कर उनके मकानों के सर्वे न करने के आरोप लगाए हैं। वही नाराज ग्रामीणों ने बीडीपीओ कार्यालय के बाहर रोष प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने चेतावनी देते हुए कहा कि दो दिनों के अंदर उनके मकानों का सर्वे नहीं किया गया तो वे खंड कार्यालय पर धरना देंगे। इस दौरान ग्रामीणों ने बीडीपीओ कार्यालय के बाहर पंचायत और ग्राम सचिव पर उनके मकानों का सर्वे न करने पर जमकर रोष प्रदर्शन किया। बीडीपीओ कार्यालय के कार्यवाहक एसईपीओ विकास बांगड़ ने उन्हें आश्वासन दिया कि हर घर में पंचायत सचिव द्वारा मौके पर जाकर जांच की जाएगी। ग्रामीणों ने बताया कि गांव से 200 के लगभग जरूरतमंदों ने खंड सनोली खुर्द में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत दो दो बार फार्म जमा कराए गए थे, लेकिन गांव के सरपंच के प्रतिनिधि धर्मवीर और ग्राम सचिव ने मिलीभगत करके मकानों का सर्वे नहीं किया। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि सरपंच ने अपने चहेतों के मकानों का सर्वे करवाया है, जबकि असहाय परिवारों के घरों का सर्वे नहीं किया गया है। मेरा एक ही मकान है, वो अंदर सोते हैं, मैं बाहर सोता हूँ, और मैं दिल का मरीज हूँ, मेरा 8 ऑपरेशन हुआ चढ़ लीजिए, और आई बार जहाँ पर भी मकान आवा है फार्म भरन बोले आऊंगे, मैं आज तक तो आए नहीं जी। कितने दिन बोले प्लाट कटे ना जी, आज तक नहीं आए मैं प्लाट, हमने मकान दे रहा है और अपने दो दो तीन तीन पर मकान आ लिया उनके, और जिनके पास जमीन भी है और नौकरी लग रहे हरिजन उनके मकान आ लिए दोबारा से, और मारे एक बार भी नहीं आ रहे जी। गांव से आए क्या? मकान से आए जी। हाँ, क्या करने आए आज जी? मकान की उसके बारे में आए थे, दरबार लोन जा लिए सबके, हमारे बेटो का एक बार भी पास नहीं हो रहा। फार्म भरे थे? हाँ जी, फार्म भर रखे हमने, फार्म भर के मारे तुम पाड़ गए, पाड़ दिए, अरे कभी लगा रखे, कभी हमारे ऊपर नहीं आ रहे फार्म जी। हाँ जी, मारता दिखाओ ना सबूत, अभी ये फार्म रहे यहाँ पे चौथी बार लिस्ट में नाम होगा। वैसे तो पानीपत के लिए सनोली से उमेश त्यागी की रिपोर्ट। महिला थाना प्रभारी इंस्पेक्टर नेहा राठी ने 229वीं त्रिवेणी लगाकर अपना कार्यभार संभाला।
समाधानांचल के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट संतोष यादव द्वारा चलाए जा रहे त्रिवेणी लगाने के कार्य को आगे बढ़ाते हुए आज महिला थाना पानीपत में अर्जुन अवार्डी इंस्पेक्टर नेहा राठी ने 269वीं त्रिवेणी लगाकर कार्यभार संभाला और त्रिवेणी के प्रति अपनी संवेदनशीलता उजागर की। नेहा राठी ने बड़, नीम और पीपल के पौधे रोपित करते हुए कहा कि त्रिवेणी लगाना संसार का सबसे श्रेष्ठतम कार्य है। उन्होंने कहा कि हर इंसान के थोड़े थोड़े योगदान से एक बड़ी चीज का निर्माण होता है। रातों रात कुछ नहीं बदला जा सकता। जब एक बीज बोते हैं तो उससे भी बढ़ने में समय लगता है। आज हमने 269वीं त्रिवेणी लगाई है महिला थाना पानीपत में। इससे पहले मैंने महिला थाना आसन में एक त्रिवेणी लगाई थी और मुझे बहुत उसमें आनंद आया। उसके बाद मैंने ये डिसाइड किया कि मैं जहाँ भी जाऊँगी त्रिवेणी लगाऊंगी, क्योंकि गर्मियों में सबसे अच्छी बात है कि ये हमें छाया देती है, प्रदूषण नहीं, पूर्ण प्रदूषण को रोकती है और मन में शांति होती है। इसलिए हम सोचते हैं कि हर आदमी को त्रिवेणी लगानी चाहिए अपने जीवन में। और आज हम ये 269वीं त्रिवेणी लगाकर महिला थाना पानीपत में आज हमने एक नई और शुरुआत की है। ये त्रिवेणी तीन पेड़ बड़, नीम और पीपल दो दो फुट की दूरी पर जब लगाते हैं और ये 6-7 फुट जब बड़े हो जाते हैं तो इनको मिला देते हैं, यानी जब इनका संगम हो जाता है तो त्रिवेणी कहलाती है। त्रिवेणी का शास्त्रों में आध्यात्मिक महत्व है, इसे शास्त्रों में स्थायित्व की संज्ञा दी गई है। जैसा कि आप सभी को विदित है, जैसे घरों में कोई भी मांगलिक कार्य करते हैं या किसी भी आयोजन पर हम कोई नई जगह में प्रवेश करते हैं तो यज्ञ का आयोजन करते हैं, उसी भांति त्रिवेणी भी एक स्थायित्व की तरह है। जहाँ त्रिवेणी लगी होती है वहाँ हर पल हर क्षण सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। त्रिवेणी का आध्यात्मिक महत्व क्यों? इसमें ब्रह्मा विष्णु महेश का वास बताया गया है। हर वो इंसान जो सात्विक भाव से त्रिवेणी लगवाता है या इसकी देख रेख करता है उसका कोई भी सात्विक कर्म विफल नहीं होता। पानीपत के स्मालखा में लगातार दूसरे दिन दो बाइक सवारों ने बसपा नेता की गोली मारकर हत्या कर दी। दोनों हत्यारे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। स्मालखा में बसपा के हल्का कोषाध्यक्ष सुखदेव की मातापुली रोड पर गोली मारकर हत्या कर दी गई। दोनों आरोपी बाइक पर सवार थे। दरअसल सुखदेव दोपहर को मातापुली रोड पर एक मकान में काम करने के बाद बाजार से सामान लेने के लिए निकला था कि तभी ये वारदात हो गई। वहीं बसपा नेता ओम प्रकाश गुज्जर ने कहा कि हत्यारों को जल्द गिरफ्तार करने की पुलिस से अपील की गई है। पुलिस सीसीटीवी हासिल कर हत्यारों की जांच पड़ताल में जुट गई है। सूचना मिली कि मैं फैक्ट्री में काम करता हूं, ठेकेदार हूं, हैं वहां एक डॉक्टर गंगाचरण है मातापुरी पे, वहां उसने मेरे पास फोन किया है, अब तेरे लड़के को गोली मार दी है। मैं बोला कैसे मारी है, अके नूनी बतावर लड़का जो तेरा पेंट का काम कर रहा है उसका गोली मार दी किसी आदमी ने, नूनी पता किसने मारी है। किसी पे शक नहीं है हमारा कोई इस कारण जिस मामला नहीं था और इसको कार्रवाई है, पुलिस देखेगी कि भाई फुटेज में आए हुए हैं उनको देखेंगे कौन है कौन नहीं है और हम पहचान करने की पूरी कोशिश करेंगे। पुलिस से अनुरोध करेंगे कि भरे बाजार में क्या किसी ने हमें पहचाने नहीं कौन थे कौन नहीं, जहाँ सरेआम बाजार चलता है, जहाँ हजारों की तादाद में सारा दिन वहाँ मातापुरी चौक पे सारा दिन जनता रहती है, वहाँ पे किसी ने पकड़ने की या किसी ने छुपवाने की या किसी ने पता नहीं है इस चीज़ का, वहाँ तसल्ली करें और मुलजिमों को गिरफ्तार करें। बात करी तो फिर 12-1 बजे एक लड़के को हत्या कर दी गई समालखा में। वो सफेदी का काम करता था, ठेकेदारी का काम करता था और इसमें अभी तक वो जो उसके परिजन हैं कंप्लेंट सबमिट कर रहे हैं, तुरंत एफआईआर करके पोस्टमार्टम करवा के आगामी कार्रवाई की जाएगी। और ये पता लगा है कि दो लड़के उसमें बाइक पर आए, उसको नज़दीक से गोली मार दी। सीसीटीवी में भी कुछ कर रहे हैं? हाँ, सीसीटीवी का सुनने आया, अभी एसएचओ को डायरेक्शन दिए हैं कि वो सारी अच्छे से कार्रवाई करे, अगर सीसीटीवी फुटेज है तो कब जाने उसे आइडेंटिफाई करवाए। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए समालखा से कुलदीप राठी की रिपोर्ट। वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे कुछ और गतिविधियों के साथ। Add colors to your loving, life will be shining, you'll have a better future and you'll be smiling. By Sanskriti School, a better place, a better world. By Sanskriti School, sapno se behtar kal. By
Sanskriti School. Add colors to your learning. By Sanskriti School, your life will be shining. Prayag International School Panipat provides a conducive learning environment transforming pedagogical practices where learning takes place beyond the classroom, fostering values and acquiring life skills, opening a gateway to a bright future. Admissions are open from class pre-nursery to 10th and attractive scholarships are being offered on merit basis. Scholarship test is held on 17 March 2019 at 11 a.m. For further details, please contact Prayag International School. हैदराबादी जनरल अस्पताल एवं नर्सिंग होम सनोली रोड पानीपत में अब 24 घंटे सभी प्रकार की हृदय रोगियों के लिए उचित दरों पर कैथ लैब सुविधा शीघ्र खुल रही है। आधुनिक मशीनों द्वारा हृदय का इलाज डॉक्टर सुनील कुमार सोफत डीएनबी कार्डियोलॉजी। संपर्क करें 9992500368 और 369। मॉडल टाउन के मल्होत्रा अस्पताल में बच्चों की जांच के लिए फ्री कैंप लगाया गया। अस्पताल के संचालक पुनीत मल्होत्रा ने बताया कि वो हर महीने ऐसे कैंप लगाते रहते हैं। मॉडल टाउन के परूथी चौक पर स्थित मल्होत्रा बच्चों के अस्पताल में बच्चों की जांच के लिए फ्री कैंप लगाया गया। अस्पताल के संचालक डॉक्टर पुनीत मल्होत्रा बताते हैं कि खान पान की वजह से बच्चों का विकास नहीं हो रहा है, ऐसे में समय समय पर बच्चों की जांच करवानी चाहिए। उन्होंने कहा कि उनके अस्पताल में हर महीने बच्चों के लिए फ्री कैंप लगाया जाता है जिसमें सैकड़ों बच्चों की जांच फ्री की जाती है। अब हमारा हर महीने ही एक कैंप रहता है जिसमें हम फ्री ओपीडी देखते हैं, बच्चों को फ्री देखा जाता है और उसमें हम बच्चों की मेनली उनके हीमोग्लोबिन और ब्लड ग्रुप की जाँच की जाती है, उनका हाइट वेट चेक किया जाता है कि उनकी ग्रोथ प्रॉपर हो रही है या नहीं। तो इस कैंप में लगभग हम अभी तक 25 बच्चे देख चुके हैं, तो हमने देखा है कि उसमें लगभग 50% बच्चों में खून की कमी पाई गई है। तो एक मेजर इश्यू है, खून की कमी की वजह से बच्चों का विकास रुकता है और ये इसको टाइम रहते टैकल करना बहुत ज़रूरी होता है। तो खान पान में चेंजेस और कुछ टॉनिक से इसको कंट्रोल किया जा सकता है और उससे बच्चे के दिमागी और शारीरिक विकास पे बहुत असर पड़ता है। देखिए, आजकल वातावरण में एक तो पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है और जो स्पेशली जो ऑयल्स यूज़ हो रहे हैं ना खाने में, ये सारे ऑयल्स जो हैं ये टेस्ट को बिना ऑल्टर करे मास लेवल पर फूड प्रोडक्शन के लिए डिज़ाइन किए गए हैं, तो इनको कंज्यूम करने से बच्चों के बाहर के खाना खाने से और इन ऑयल्स को कंज्यूम करने से क्या होता है, ये ऑयल्स शरीर में जो हमारी हार्मोनल ग्लैंड्स होती हैं उनके अंदर हार्मोन्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं धीरे धीरे, उससे क्या होता है कि ग्रोथ नहीं हो पाती। जो ऑयल्स प्रेफर्ड हैं वो हैं ऑलिव ऑयल, सरसों का तेल, देसी घी और नारियल का तेल। नारियल वाला तो हमारे नॉर्थ इंडिया में यूज़ नहीं होता है, मेनली साउथ इंडिया में ही कुकिंग के लिए यूज़ होता है, लेकिन इसके अलावा जितने भी ऑयल हैं उनमें कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क है क्योंकि इसमें ओमेगा 6 और ओमेगा 3 का बैलेंस होना चाहिए ऑयल में, तो वो बैलेंस सिर्फ इन्हीं तीन चीज़ों में है। अगर इनको बदल बदल के यूज़ किया जाए तो, अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो ऑयल्स जो हैं, जो बाहर के ऑयल्स हैं उनका तो पता ही नहीं ना हमें, कई बहुत ही ख़राब ऑयल्स जैसे कॉटन सीड ऑयल, इस तरह के ऑयल्स यूज़ होते हैं खाने में, तो ये ग्रोथ को बहुत हैम्पर करते हैं और बाहर खाने का प्रचलन बढ़ता जा रहा है और इस पर कोई कंट्रोल है नहीं कि कौन कौन सा ऑयल यूज़ हो रहा है। विदेशों में कंट्रोल है, यहाँ नहीं है। तो अगर ऑयल्स के ऊपर रोक लगाए ना सरकार तो बच्चों की ग्रोथ पे बहुत फर्क पड़ सकता है। गांव जलालपुर में शहीद करण सिंह की प्रतिमा के पास गंदगी पड़े होने पर पंचायत विभाग हरकत में आया और मौके पर पहुंचकर साफ सफाई कराई। इस दौरान पंचायत अधिकारी ने गंदगी फैलाने वालों को चेतावनी भी दी। गांव जलालपुर प्रथम में स्थित शहीद करण सिंह की प्रतिमा के पास लगे गोबर व गंदगी के ढेर होने पर खंड विकास एवं पंचायत विभाग सनोली खुर्द हरकत में आया और पंचायत ने सरपंच रमेश शर्मा को मौके पर बुलाकर सफाई कर्मचारियों से समाधि स्थल के पास साफ सफाई करवाई। वहीं पंचायत अधिकारी विकास बांगर ने पंचायत को कहा कि शहीद की समाधि स्थल के आसपास गंदगी न डाली जाए और समाधि स्थल की चार दीवारी करवाएं ताकि साफ सफाई बनी रहे।
इतना ही नहीं, पंचायत अधिकारी ने गंदगी डालने वालों को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर समाधि स्थल के पास दोबारा कोई गंदगी डाली गई तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आज कार्यालय की तरफ से स्टाफ के कर्मचारी प्रतिमा शहीद स्मारक के वहाँ गए, साफ सफाई करवाई गई। शिकायतकर्ता न्यूज़पेपर के माध्यम से शिकायतकर्ता को भी वहाँ बुलाया गया, कर्मचारी द्वारा भी वहाँ सफाई की गई। शहीद प्रतिमा को ये हमारा अनावरण है बिल्कुल, इनसे ही सब कुछ हमारा गांव चलता है। लेकिन हमें आज वहाँ जाकर गोबर वगैरह की सफाई करवा दी गई है, रास्ता बिल्कुल साफ है, शहीद के स्मारक के आसपास बिल्कुल सफाई है। वैसे पानीपत के लिए सनोली से उमेश त्यागी की रिपोर्ट। पाइट कॉलेज में चल रहे 3 दिवसीय नाटक मंचन का समापन हुआ, तीसरे दिन भी नाटक प्रस्तुत किया गया। आज तीसरे और अंतिम दिन संक्रमण से लेकर वायरस नाटक की प्रस्तुति दी गई। नाटक देखने मुख्य अतिथि के तौर पर पानीपत से समाज सेविका कमला तायल, डॉक्टर शबनम बत्रा, ज्योति तायल, श्वेता तायल और अन्य विशिष्ट अतिथि रविंदर तायल चेयरमैन LCRT पहुँचे। रवि मोहन द्वारा निर्देशित नाटक संक्रमण से लेकर वायरस में कलाकारों द्वारा प्रस्तुत के मंचन में दर्शकों ने खूब आनंद उठाया। नाटक का विषय दो पीढ़ियों के बीच में जिस तरह से विचारों का भेदभाव रहता है, उससे जो समस्याएं उत्पन्न होती है, उस पर कलाकारों ने अपनी खूबसूरत कला का प्रदर्शन किया। नाटक के सभी किरदारों ने प्रशंसनीय अदाकारी से खूब तालियां बटोरी। किरण दत्त ने घर की बहू और फिर एक माँ का शानदार किरदार निभाया। लेकिन एक एक पाई चुकाई मैंने, माँ के जेवर सब महाजन के यहाँ गिरवी थे, उन्हें चुराया। जवान बहन थी घर में शादी को, उसकी शादी की। और ये घर मैंने बनवाया। मैंने देखा माँ कैसा व्यवहार कर रहे हैं मेरे साथ, कुछ सोतेले बेटे के साथ भी ऐसा व्यवहार नहीं करता होगा। और अगर मैंने इनको गलती से कुछ कह दिया तो अपने बारे में पूरा मान जाएंगे। अब तू मत शुरू हो जा पिंटू। शुरू क्या होना है माँ, आज तुम्हें इनके बारे में बताकर रहूंगा। आज मैंने 3rd day प्रोग्राम अटेंड किया है। प्रोग्राम सिर्फ देख के मैंने ये सोचा कि शायद मैंने 1st और 2nd day का भी बहुत कुछ मिस किया। और जो आज का इनका टॉपिक था वो था बेसिकली जनरेशन गैप। अभी जनरेशन गैप क्या है? जनरेशन गैप इज नथिंग, इट इज अ चेंज ऑफ वैल्यूज और एटीट्यूड्स बिटवीन टू जनरेशन। And to empower our younger generation about generation gap is really a good thing. हमारे young generation को ये सोच लेना चाहिए कि हमारे बड़े हमारी केयर और हमारे अटेंशन के अंदर उनकी केयर होनी चाहिए। ब्रिज भूमि में होने वाला एक लोक नृत्य जिसके द्वारा राधा और कृष्ण के प्रेम का रंगमंचन किया जाता था, उसी का ये उभरता हुआ नया रूप जो कि अब थिएटर का रूप ले लिया है। बड़ा अच्छा स्टेप उठाया पाइप ने कि न्यू जनरेशन के लिए कि उनको थिएटर के माध्यम से एक्टिंग स्कूल भी शुरू करने की जो ये एक विचारधारा शुरू हुई है। तो इसके द्वारा बच्चों में जो आजकल बच्चे नंबरों पे इतने फोकस हो गए स्टडी पे कि वो अपनी हॉबीज़ आर्ट म्यूज़िक डांस इसको छोड़ते जा रहे हैं, तो बहुत ज़रूरी है आजकल के बच्चों के लिए कि वो किसी न किसी रूप से, चाहे वो थिएटर से, संगीत म्यूजिक एक्टिंग में किसी रूप से भी जुड़े। इसमें कला एवं सांस्कृतिक कार्य विभाग हरियाणा और राज कला मंच और पाइट कॉलेज का जो ऑडिटोरियम है, इस सहयोग से ये नाट्य जो है प्रस्तुत हुए। इसमें पहले दिन चंदू भाई नाटक करते हैं, दूसरे दिन मारिया फरार और तीसरे दिन संक्रमण से वायरस तक का जो है मंचन यहाँ के विद्यार्थियों ने, जो भी आपके यहाँ से बाहर से गेस्ट आए उन्होंने और जो भी स्कूल की आपकी फैकल्टी है मैनेजमेंट ने इसका जो पूरा लाभ उठाया। छाजपुर कला के आरोही मॉडल स्कूल में चल रहे 3 दिवसीय साइंस कार्यशाला का समापन हुआ। इस दौरान बच्चों को 3D प्रिंटिंग और इंटरनेट के बारे में बताया गया। इस दौरान IIT की ओर से आए ट्रेनर अनुराग तिवारी ने छात्रों को लैब में 3D प्रिंटिंग इंटरनेट रोबोट के बारे में जानकारी दी और बताया कि अब 6th कक्षा से ही छात्रों को कौशल विकास संबंधी प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि वे कौशल विकास में स्वरोजगार कर आत्मनिर्भर बन सके और उन्हें इंजीनियरिंग संबंधी सिलेबस का समय से पहले जानकारी मिल सके। इस दौरान स्कूल प्रिंसिपल हेमलता बालियान, साइंस अध्यापक डॉक्टर हितेश चंद शर्मा ने कहा कि स्कूल में सरकार की ओर से 20 लाख रुपए की लागत से अटल साइंस लैब शुरू की गई है ताकि ग्रामीण छात्र साइंस लैब में शिक्षा हासिल कर सके। ऑटोमेटिक कंट्रोल कर सकते हैं, ये
ये स्मार्ट डस्टबिन है, वेलकम कम्युनिटी है, फायदे रहते हैं। कारण घर के घर कचरा लेके गए तो भी खुल जाती है ना, फील फुल होता है ना, गेट भी घर बंद है और ज़्यादा रूम खराब हो जाता है। गेट खुला हो ऑटोमेटिक वेलकम एक मैन पावर का काम करता है और हमारा घर को एंकरेज करता है। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए सनोली से उमेश त्यागी की रिपोर्ट। आज की गतिविधियों में बस इतना ही, जुड़े रहिए वॉइस ऑफ पानीपत के साथ। नमस्कार। बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स, कोई भी प्रोडक्ट आसान किस्तों पर उपलब्ध। एलजी, सैमसंग, गोदरेज, कैरियर, डायगन, ऑथोराइज्ड डीलर, ASMRO ऑल मॉडल अवेलेबल। अप्पो, वीवो, सैमसंग, एप्पल मोबाइल भी उपलब्ध। फोन 9812214543, जीटी रोड नियर फेडरल बैंक, पानीपत। एल के होंडा गोहाना रोड पानीपत, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम के तहत केवल 101 रुपए डाउन पेमेंट पर आधार कार्ड व बिजली बिल लाएं और कोई भी गाड़ी ले जाएं। एल के होंडा गोहाना रोड पानीपत, असंत रोड पानीपत व जीटी रोड संभाल का। लॉर्ड शिवा एंटरप्राइजेज, अपने आप में एक पहचान। नियर होटल वेस्ट पानीपत।